الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين وقال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين صدق الله المولانا العلي العظيم بزرگ اور دوستو ये जो महीने चल रहे हैं इन महीनों को हज के महीने कहा जाता है। शव्वाल की पहली तारीख से अगर कोई हज का एहराम बांधे तो उसके लिए हज का यह एहराम बांधना दुरुस्त है और हज में चंद हस्तियों की यादें ताज़ा हो जाती हैं जिनमें एक हस्ती सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हस्ती है। क़ुरान करीम ने मुतफर्रिक तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांच वाक़यात को बयान फरमाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन वाक़यात को कुरान करीम ने अलग अलग जगहों पर बयान फरमाया है और उसकी वजह यह है कि कुरान करीम हिस्ट्री की किताब नहीं है। इन वाक़यात को कुरान करीम एक जगह पर बयान नहीं फरमाता बल्कि जिस जगह मुनासिब समझता है
और जिस जगह ज़रूरत समझता है उस जगह इन वाक़ियात में से किसी वाक़िए का तज़किरा करता है। और हम सब ये बात जानते हैं कि हमारे दादा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जो सारी इंसानियत के बाप हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम ही से इंसानों की नस्लों को चलाया है। और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 10 नस्लों के बाद नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, ये 10 नस्लें बाइबल में बयान फरमाई गई है, वो सच है या झूठ है अल्लाह जाने। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 10वें बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में तूफान आया था, और उस तूफान में सिवाय 80 लोगों के सब लोग मर गए थे, गर्क हो गए। वो तूफान पूरी जमीन पर आया था या सिर्फ उस जगह आया था जहां पर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम आबाद थी? तो सही जवाब ये है कि ये अजाब और ये तूफान उसी जगह आया था जहां पर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम आबाद थी। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक 10 बाप हैं, तो इनकी औलाद इतनी ज्यादा नहीं बढ़ सकती कि पूरी जमीन भर जाए, जनरेशन इतना ज्यादा नहीं हो सकता कि पूरी जमीन भर जाए। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जो अजाब आया था वो सिर्फ उसी जगह पर आया था जहां नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम आबाद थी। और उस तूफान में सिवाय उन 80 लोगों के, जिसमें मर्द भी हैं औरतें भी हैं, जो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती में सवार थे, सब गर्क हो गए। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जद्दे सानी भी कहा जाता है, दूसरे दादा भी कहा जाता है, उनको आदम सानी भी कहा जाता है। फिर अल्लाह का करना ये हुआ कि कश्ती में जो 80 लोग थे उनकी नस्लें आगे नहीं चली, आगे चल के उनकी नस्लें मुनक़ते हो गई, सिवाय नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 बेटों के। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4 बेटे थे, 3 बेटे कश्ती के अंदर थे जो ईमान ले आए थे, और 1 बेटा कश्ती से बाहर था जो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान नहीं लाया, वो गर्क हो गया, डूब गया। तो इन 3 बेटों से नस्लें चली, जो और 80 लोग थे उनसे नस्लें नहीं चली, आगे चल के मुनक़ते हो गए। लेकिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो 3 बेटे थे उन्हीं 3 बेटों से पूरी इंसानियत आबाद हुई। इसलिए जो है नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जद्दे सानी कहा जाता है, दूसरे दादा कहा जाता है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक कितना जमाना है मालूम नहीं, लेकिन इन 2 पैगंबरों के दरमियान में कोई जलीलुल कदर पैगंबर नहीं आया।
और ये बात के नूह अलैहिस्सलाम ही के तीन बेतों से नकल चली है वो कुरान में है। वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाकीन, हमने नूह अलैहिस्सलाम ही की ज़ुर्रियत को बाकी रखा, उन्हीं की ज़ुर्रियत आगे चली और जो लोग थे उनका सिलसिला मुनक़ति हो गए। अब इन्हीं के औलाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम है और इन दोनों के दरमियान में कितना ज़माना है उसको कोई नहीं जानता, और इन दोनों के दरमियान में कोई जलीलुल कदर पैगंबर भी नहीं आया। और हमने पहले बताया था कि पांच बड़े नबी हैं, हर नबी मासूम है और सारे नबियों का मकाम आम इंसानों से बहुत बड़ा है, बड़े से बड़ा आम आदमी जिसको कुरान अतका कहता है, अतका से मुराद अबू बकर सिद्दीक है, वो अदना से अदना दर्जे के नबी के बराबर नहीं हो सकता। तो जितने भी नबी हैं वो सारे नबी आम इंसानों से बहुत बड़े हैं, लेकिन इन नबियों में दर्जात है। तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, इन नबियों में पांच बड़े नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और इन पांचों में सबसे बड़े जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़े तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन इन चार में कौन बड़ा है वो कांतों भरा मसला है, उसको कोई नहीं जानता। इन चारों बुजुर्गों में से किसका मकाम बड़ा है? तो नूह अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक कोई बड़ा नबी नहीं आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके बाद सबसे बड़े जलीलुल कदर पैगंबर आए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खसूसियत ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आए वो सारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही के औलाद में आए, और ये भी कुरान में है। वजअलना ज़ुर्रियतहुम नुबुव्वत वल किताब, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही की ज़ुर्रियत में अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत भी रखी और किताब भी रखी, यानी जो भी आसमानी किताब आई वो आसमानी किताब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद ही में से किसी के ऊपर आई। और किसी को भी अगर नबी बनाया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद ही में से कोई है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खसूसियत है। कुरान करीम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांच वाकयात का जिक्र है जो मुतफर्रिक तौर पर किया गया है, अलग अलग जगहों पर किया गया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस कौम की तरफ मबऊस किया गया था वो कौम दो जमातों में बटी हुई थी, दो गिरोहों में बटी हुई थी। एक जमात वो थी जो सितारों की परस्तिश करती थी, और एक जमात वो थी जो बुतों की यानी मूर्तियों की पूजा करती थी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए थे वो कौम दो जमातों में बटी हुई थी, दो गिरोहों में बटी हुई थी। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी है कि इन दोनों जमातों को अल्लाह की वहदानियत बताए, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है ये बताए। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोनों जमातों को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया और हिकमत के साथ बुलाया। तो एक वाकया
इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये बयान फरमाया गया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, जबकि सितारा तुलू हुआ और रात छा गई, जब सूरज गुरूब होता है और चांद तुलू होता है, और अगर वो तुलू होने वाला चांद 29 का है तो सूरज और चांद के दरमियान में एक सितारा तुलू होता है, और अगर 30 का होता है तो बीच में नहीं होता, थोड़ा करीब होता है। और जिस सितारे का तस्किरा कुरान करता है वो सितारा गुरूब के वक्त निकलने वाला नहीं, इसलिए कि कुरान करीम ने फरमाया फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल रा कौकब, जब रात छा गई, रात का अंधेरा छा गया, तब वो सितारा तुलू हुआ। तो पता ये चला कि वो सितारा 9 10 11 बजे रात में तुलू हुआ होगा, और ये कोई खास सितारा है जिसकी कौम परस्तिश करती थी, पूजा करती थी। और सितारों की पूजा करने वाले कोई एक सितारे की पूजा नहीं करते, जैसे मूर्तियों की पूजा करने वाले, बुतों की पूजा करने वाले कोई एक मूर्ति और एक बुत की पूजा नहीं करते। कोई राम की पूजा करता है तो कोई रावण की करता है, कोई बंदर की करता है तो कोई गणपति की करता है। तो सितारों की जो पूजा करने वाले और परस्तिश करने वाले हैं वो भी अलग अलग सितारों की पूजा करते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब रात छा गई और वो खास सितारा जिसकी वो पूजा किया करते थे, परस्तिश किया करते थे, वो तुलू हुआ तो कहा हाजा रब्बी, ये मेरा रब है, यानी तुम्हारे ख्याल के मुताबिक, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक ये मेरा रब है। फलम्मा अफल, अब वो सितारा मतले पर रहा और आहिस्ता आहिस्ता सुबह के करीब जो है वो छुप गया, गुरूब हो गया। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम के जहन में बात डाली कि मैं छुपने वालों को पसंद नहीं करता। क्या मतलब? मतलब ये है कि माबूद ये छुपता नहीं है, माबूद गायब नहीं होता, माबूद खत्म नहीं होता, वो अपना वजूद बाकी रखता है। तो मैं छुपने वाले को, गायब होने वाले को, अपना वजूद बाकी न रखने वाले को पसंद नहीं करता। ये बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम के जहन में डाल दी कि जो छुप जाए, गायब हो जाए, गुरूब हो जाए, अपना वजूद बाकी न रख सके, वो माबूद कैसे हो सकता है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह तो वो है जो सदा जिंदा है, और सारी मखलूक को थामने वाला है, क़य्यूम है, सारी कायनात को थाम रहा है। तो अगर माबूद गायब हो जाए, माबूद छुप जाए, तो दूसरों को कैसे थामेगा। अरबी में उसको कहते हैं मुमासात माल खस्म, मुखालिफ के साथ चलना, यानी उसकी बात का जवाब देने के लिए एक मौके तक उसकी हां में हां मिलाना। उसकी एक मिसाल सुनिए, स्कूलों में भी झगड़े होते हैं, मदरसों में भी झगड़े होते हैं, तो मैं मदरसे से पढ़ा हूं, मिसाल दे दो। तीन बच्चों ने, तीन तालिब इल्मों ने मिल के ये सोचा कि आज फला लड़के को मारना है, तो एक ने जाके कहा बहुत दिन हो गए गन्ना नहीं खाया, आज गन्ना खाएंगे शहर से बाहर जाके,
खेत में जाके, दूसरा मिला दूसरे ने कहा अरे गन्ना खिला, तेरे पास पैसे है कि नहीं, कहा कि नहीं, चलो मैं खिलाऊंगा। तीसरे ने भी बात, एक दो तीन मर्तबा बात आ गई तो असर की नमाज के बाद निकले। अब गन्ने के खेत में जाके गन्ना लिया, लेकिन वही गन्ना डंडा बन गया। अब उन्हीं तीन आदमियों ने उनके ऊपर वो गन्ने बरसाए और उसको मारा। तो चले तो थे दोस्त बनकर, तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कहा हाजा रब्बी, ये मेरा रब है, ये उनका जवाब देने के लिए। अरबी में कहते हैं मुमासात माल खस, दुश्मन के साथ चलना, कि ये तीन जो चले थे वो दोस्त बन के नहीं चले, तो दुश्मन बन के चले थे, दोस्ती जाहिर की। अब वो दिन खत्म हो गया, किसी एक मौके पर चांद चमक रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चांद को देखा, फलम्मा रअल क़मरा बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी, चांद चमक रहा था तो चांद को देख के कहा ये मेरा रब है। अब चांद अपना वजूद कब तक बाकी रखता, वो भी गुरूब हो गया। तो पहले एक बात कौम के जहन में डाल चुके थे कि जो अपना वजूद बाकी न रख सके, जो गायब हो जाए छुप जाए, वो माबूद नहीं हो सकते। तो फिर सवाल पैदा होता है माबूद कौन है, तो माबूद ही बताएगा कि माबूद कौन है। फलम्मा अफल قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين, अगर मेरा रब मुझे राह न दिखाए, रास्ता न दिखाए, तो मैं तो गुमराहों में से हो जाऊं। यानी मेरा रब ही मुझे राह दिखाएगा, अल्लाह ही बताएगा कि रब कौन है। अल्लाह के बताए बगैर हम नहीं जान सकते कि हमारा माबूद कौन है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबियों को भेजा और भेज के एक ही बात बताई, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद है। तो इस मजमून में दो बातें कौम को समझाई, एक बात पहले समझा चुके थे उसको दोहराई कि जो छुप जाए गायब हो जाए अपना वजूद बाकी न रख सके वो माबूद नहीं हो सकता। तो फिर माबूद कौन है, तो माबूद ही बताएगा, वो खुदा ही बताएगा कि खुदा कौन है। फिर किसी मौके पर सूरज निकल रहा था, थिमथिमा रहा था, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूरज को देखकर कहा कि हाजा रब्बी हाजा अकबर, ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। यानी सारे सितारे उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, अगर माबूद हो सकता है तो यही हो सकता है, यही सबसे बड़ा है। फलम्मा अफलत, फिर जब वो भी गायब हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने डंके की चोट पर ऐलान किया, इन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून, कि तुम जिन चीजों को माबूद मानते हो मैं उनसे बरी हूं, मैं उनको माबूद नहीं मानता। इंसान यहां तक ही कर सकता है, उससे आगे इंसान नहीं कर सकता। किसी को बात समझा सकते हैं, उसको समझ में आए, उसके अंदर लम्हे फिक्रिया पैदा हो, वो अल्लाह का काम है। हम चाहते हैं कि मस्जिद आबाद हो जाए, लेकिन हमारा काम है, हमारा काम है समझाना, मस्जिद आबाद करना अल्लाह का काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको चुप कर दिया, चुपका कर दिया, उनके पास कोई दलील बाकी नहीं रही इस बात की कि ये सितारे माबूद हो सकते हैं, सारी दलीलों को तोड़ दिया। अब उनके अंदर लम्हे फिक्री आए, अब वो सोचने पर मजबूर हो जाए और सोचे ये अल्लाह का काम है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह ही का काम है किसी को हिदायत देना, कुरान में इन्नक ला तहदी मन अहबबत वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, ए नबी आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत देता है। तो जब हिदायत का देना, लम्हे फिक्रिया का पैदा होना, ये जब अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, तो फिर इंसान का कसूर क्या है, इंसान का कसूर क्या है, सवाल पैदा होता है।
اگر وقت بچ جائے اور بات مکمل ہو جائے تو سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ ادھورا چھوٹ جائے گا. اس کو مثال سے سمجھو. کھونٹے سے بھینس بندھی ہوئی تھی، وہ چھوٹ گئی اور وہ گاؤں میں بھاگی. چھوٹا بچہ بیچ میں تھا، اس کو مسل دیا، کچل دیا، مر گیا. آگے چلی، دوسرا بچہ آیا، اسی کو بھی مسل دیا، وہ بھی مر گیا. پھر اور آگے چلی، اب پہلا بچہ مسلا، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں. دوسرا بچہ مسلا، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں. ابھی آگے جا کے ایک اور بچے کو مسل دیا، کوئی فرق نہیں. تھوڑی دیر کے بعد لوگ جمع ہوں گے، کسی طریقے سے بھینس کو پکڑیں گے اور اس کو مارنا شروع کریں گے، اور لے مار کر کے خوب پٹائی کریں گے. پھر ایک کہے گا، یہ تو جانور ہے، یہ تو جانور ہے، چھوڑو اسے. ایک انسان اپنی گاڑی لے کے نکلا اور ایک بچے سے ٹکر لگ گئی گاڑی کی. اب اس کی کیفیت اور بھینس کی کیفیت میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ یہ کیفیت میں فرق کیوں آیا؟ بھینس پر کوئی اثر نہیں، ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ، تیسرے بچے کو مسل دیا، کوئی فرق نہیں. یا ایک بچے کو ٹکر لگی، وہ مرا بھی نہیں، صرف زخمی ہوا. انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ نیچے اتر آتا ہے، بچے کو اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے کہیں چوٹ تو نہیں لگی، دوا خانے لے جاتا ہے. دونوں کی کیفیتوں میں فرق کیوں ہے؟ یہ بدی ہی فرق ہے. اگر انسان کی انسانیت مری نہیں، اس کا ضمیر جاگتا ہے، تو وہاں کھڑا رہے گا اور اس کو لے کے دوا خانے تک جائے گا. تو دونوں میں فرق ہے، کیفیت میں فرق ہے، بدی ہی فرق ہے. اب تیسری بات سنو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پورا اختیار نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالی انسان کو پورا اختیار دے دیتے، یا اگر کسی کو پورا اختیار حاصل ہوتا تو وہ بندہ نہ رہتا، وہ مخلوق نہ ہوتا، وہ خالق بن جاتا. اللہ تبارک و تعالی خالق ہیں اور ساری مخلوق اسی کے قبضے قدرت میں. حتیٰ کہ انسان کی چاہت، میری چاہت، آپ کی چاہت، یہ بھی اللہ کی چاہت کے تابع ہیں، قرآن میں ہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے. تو ہماری چاہتیں اللہ کی چاہت کے تابع ہیں. اگر کسی کی چاہت اس کی خود ہو جائے اور اللہ کی چاہت کے علاوہ اس کی خود کی چاہت ہونے لگے، تو پھر وہ مخلوق کہاں رہا، وہ بندہ کہاں رہا، وہ معبود بن گیا. اور یہ بات بدی ہی ہے کہ اللہ خالق ہیں اور سب مخلوق ہیں، لہذا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. لیکن اس کو تھوڑا اختیار دیا ہے. کتنا اختیار دیا ہے، بعد اسی پر ختم کرتے ہیں. حضرت علی کا قول آپ کے سامنے ذکر کر دو. ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ انسان مجبور محض ہے یا اسے اختیار ہے؟ تو کہاں کہ بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو جا. وہ کھڑا ہو گیا. کہاں ایک پاؤں کھڑا کر دے، اس نے کھڑا کیا. کہاں دوسرا کھڑا کر دے. کہاں کہ یہ کیسے ہوگا. کہاں کہ بس اس کو اتنا اختیار ہے. پورا اختیار بھی نہیں اور یہ مجبور محض بھی نہیں ہے. اس مضمون کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں جو توحید کی تعلیم ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. الله أكبر الله أكبر.